तो दोस्तों ये है एमबीटेक की मोटर, आप देख सकते हैं एमबीटेक मोटर। तो आज आपको बताएंगे इसके ब्रशेस कैसे चेंज किए जाते हैं। इसके लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसके फंसा हुआ ये पिन को बाहर निकालना होगा। इसको ऐसे करके करेंगे तो बाहर निकल जाएगा आसानी से। इसी तरह दूसरी तरफ का भी निकालना होगा। दूसरी तरफ का निकालने के लिए ये पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले ब्लैक वाले कवर को बाहर निकालना होगा। इसके लिए ये दो कैप से फंसा होता है, इसको सावधानी से हटाएंगे ताकि ये टूटे ना। इसी तरह दूसरी साइड का भी हटा लेंगे। सावधानी से हटाएंगे नहीं तो ये क्लिप टूट जाएगी। पहले हल्का सा एक तरफ का कर देंगे, उठा देंगे और फिर इसी तरह दूसरी तरफ को भी उठा देंगे और ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर लगे हुए को बाहर निकालना है। इसके लिए आप इसके अंदर फंसे हुए इसको आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? झटका मारेंगे छोटा सा तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए निकल गया है बाहर। इसी तरह इस साइड का भी जो ये वाला ही है, ये तार को हटाने के लिए इसको मारेंगे हल्का सा तो ये भी बाहर निकल जाएगा। जैसे निकल गया, देखिए बाहर निकल गया। उसके बाद स्टार पोजीशन में लेके आएंगे और ये पेचों को खोल लेंगे। एक इसको ये निकल गया, इसको खोल लेंगे। और ये फ्लैंज हटा देंगे और ये कार्बन पर छाप के बाहर निकलेंगे। एक बाहर निकला है, इसी तरह दूसरी साइड का निकाल लेंगे। सबका भी खोल लेंगे। बाहर आ गया और इस क्लिप को भी हटा लेंगे और ये आपका कार्बन पर बाहर आ गया। हम दूसरे बार में ब्रश ला के लगाएंगे। इसमें लगाने से पहले ध्यान रखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये इसके अंदर आना चाहिए। ये ग्रूव बना हुआ है, आप देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, वो इस ग्रूव के अंदर आना चाहिए। तो देखिए लगा लेंगे वापस, वो अंदर लेके जाएंगे। के बाद फ्लैंज लेंगे, क्लिप लेंगे, इसकी इसको रखेंगे। क्लिप को हमेशा ध्यान रखेंगे कि बाहर नहीं निकलने देना आसने से, इसलिए इस तरीके से लगाएंगे। इसके पेच लगा देंगे, एक लगा दिया मैंने। दूसरा लगा दिया और जो कनेक्शन है उसको अंदर से ऐसे अंदर की तरफ देख लीजिए, अंदर की तरफ पुश कर देंगे ताकि वो फिट हो जाए। जैसे ये हो गया, इसी तरह दूसरी तरफ का भी निकाल देंगे। ये
ये लिया आपने, इसको फिट करेंगे इस पे लगा के। क्या क्लिप को देख लेंगे, क्लिप लगा देंगे इस तरीके से। और पेज टाइट कर देंगे इसके। ये वाला भी अच्छे से टाइट कर देंगे। और अंदर वाले को जो अंदर इसकी वायर है उस पर पिच कर सजा के और अंदर की तरफ पुश कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये और ये अंदर चला गया। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे कि स्क्रू अच्छे से टाइट है या नहीं है। ये देखिए, आप इसका कैप लेके के ऊपर लगा देंगे और पुश कर देंगे एक तरफ और ये दूसरी तरफ बैठ गया। उसके बाद इसकी क्लिप लेके दोनों साइड लगा देंगे, इस तरीके से लगा के अंदर के दबा देंगे लग गया। और दूसरी तरफ का भी ऐसे करके और अंदर इधर दबाएंगे फिर लग जाए। और आपके कार्बन ब्रश चेंज हो गए हैं। धन्यवाद।